वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ फेस्टिव लुक करने जा रही हूँ, जो कि आप नवरात्रि, गरबा, दुर्गा पूजा किसी में भी कर सकते हो, वो भी यूजिंग ओनली वन ब्रांड दैट इज़ फ्रॉम लैनफोर। सो स्टे ट्यून। अब मैंने यूज़ किया है एक्वालिशियस प्राइमर फ्रॉम लैनफोर। कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यू नीड टू अप्लाई अ प्राइमर। अच्छे से प्रेप होना चाहिए फेस आपका। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैनफोर की फाउंडेशन, जो कि फुल कवरेज फाउंडेशन है। एंड आप देखिए, मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप लिया है और इससे मैं पूरा फिल फेस करूँगी विथ द फाउंडेशन ब्रश। आई एम सेटिंग इट। अब मैं अच्छे से पूरे फेस पे लगा रही हूँ। उसके बाद पूरे फेस पे स्प्रेड करने के बाद यू जस्ट नीड टू ब्लेंड इट विथ अ ब्यूटी ब्लेंडर और डैब 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 डैब, जस्ट यू नीड टू स्प्रेड इट अगैन। येस, हाउ इज इट? देख रहे हो आप कवरेज, कितनी प्यारी कवरेज है। वाओ, आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन। और मैं ये लिंक भी भेज रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट आई एम यूजिंग लैनफोर का पिंक पॉप ब्लश, जो कि बहुत ही प्यारा पिंक कलर है। अब इसी ब्लश से मैं करने वाली हूँ आई शेडो। सो येस गाइज, ट्रस्ट मी फॉर दिस। हमने बहुत मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। मैंने हल्का सा शिमर यूज़ किया है, कोई भी सिल्वर से कलर का। नेक्स्ट मैं इसका क्रेज लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि है ब्लैक कलर। मैंने एक अच्छा सा विंग बनाया है, पतला सा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लुक आई है, बहुत नाइस पिंक एंड पर्पलिश सा टोन आया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्मजिंग आई काजल, मैंने वो भी लैनफोर का यूज़ किया है। एंड मैंने कॉर्नर्स में सिर्फ काजल अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। इसके नेक्स्ट साइड में हमारे पास है स्मजर, उसी से मैंने स्मज किया है। ब्लेंड करना है अच्छे से और मैंने लैशेज भी अप्लाई कर लिए। नेक्स्ट आई एम यूजिंग ब्रो ब्रोमांस फ्रॉम लैनफोर। इसकी ब्रो पेंसिल ब्राउन कलर में है, जो कि बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देती है। एंड इसकी ब्रो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ, आप ज़रूर देखा करिए। इसमें एक स्पूले भी मिलता है हमें, जिससे आप ब्लेंड करके इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आई एम यूजिंग एक लिक्विड हाईलाइटर। हाईलाइटर तो सबका फेवरेट है, यू ऑल नो दिस राइट? लिक्विड हाईलाइटर आई एम यूजिंग ऑन माय फेस, ऑन माय एप्पल ऑफ द चीक के ऊपर वाली जगह पे, और मैं हैंड से ब्लेंड कर रही हूँ। देख रहे हो आप कितना अच्छा ग्लो। कंटूर मैंने किया है, पर वो कोई और ब्रांड का था, इसलिए मैं वो इसमें नहीं बताऊँगी। ये वन ब्रांड प्रोडक्ट है, कंटूर इसमें अभी आता नहीं है। अगेन मैंने फिर से पिंक पॉप ब्लश लगाया है और मैं उसी हाइलाइटर के ऊपर, आप देख रहे हो ग्लो। ओ माय गॉड, मैं पिंक पॉप ब्लश से पूरा ग्लो, देखो कितना प्यारा आ गया है, आई जस्ट लव इट। ऑल्सो मैंने ब्रो बोन पे भी सेम हाइलाइटर यूज़ किया है, लैनफोर का लिक्विड हाइलाइटर। बहुत ही एंगुलर ब्रश से मैंने यूज़ किया। ब्रशेज मैंने जो इस वीडियो में यूज़ करे हैं वो हैं सारे लंदन प्राइम कॉस्मेटिक्स के, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दूँगी। कितना प्यारा लुक आया गाइस, बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ किए और बहुत अच्छी लुक आउटपुट आया है। नाउ आई एम यूजिंग पर्पल कलर की ही पाउट लिपस्टिक, पर मैं उससे लिप लाइनर कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। आउटलाइनिंग के लिए आजकल ये लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैनफोर की ही लिपस्टिक है, ये थोड़ा वाइन 06 नंबर है, वाइन कलर है। इसको मैंने अच्छे से लगाया है एंड ब्लेंड किया अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इफेक्ट आया है। सेंटर में मैंने थोड़ा सा लाइटर टोन लगाया है। यस, अब नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्स अगेन फ्रॉम लैनफोर। यस, सी द ग्लो, टाडा, एंड आई एम डन एंड आई एम रेडी फॉर द नवरात्रि लुक कह लो, गरबा लुक कह लो, और यू कैन दुर्गा पूजा में आप जाओ ऐसे तैयार होकर एंड सबके आगे छा जाओ। बस और मैं आपसे क्या कहूँ, होप यू लव द मेकअप लुक। ऑल्सो मुझे फॉलो करिए फॉर मोर अपडेट्स ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।